नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल वजीफा 786। आपका अपना चैनल वजीफा 786 आपको रोज़ नई से नई वीडियो, नए से नए अमल लेकर हाज़िर होता है। इंशाल्लाह आज फिर से नई वीडियो, नए अमल, नया ताबीज़ लेकर हाजिर हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की फजल करम से, वीर वलियों की दुआ से, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक नई से नई पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, जो भी ये नक्स है किस काम के लिए बनाया गया है, आप लोग इस चीज़ को देख ही रहे हैं। आपका अपना चैनल वजीफा 786 आपको रोज़ नई से नई वीडियो, नए से नए अमल लेकर हाजिर होता है और नए से नए ताबीज़ देता है, नए से नए दुआएँ, नए से नए वजीफे लेकर हाजिर होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक नई से नई पहुंचती रहे, नए से नए अमल, नए से नए वजीफा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अगर आपके भाई बहन दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो, ये ताबीज़, ये नक्श किस लिए बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, किसके लिए नहीं बनाया गया, ये मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में पूरा समझाता हूँ। एक ऐसी पान खरीद लो, मतलब कि एक ऐसी पान खरीद लो और जिस समय चौदहवीं की रात, मतलब चांद की अपनी जो है रोशनी फैलाने लगा, उस समय ये जाफरान से नक्श को लिख लो। चांद के जो है अस्त होने तक इसे ख़त्म कर दें, मतलब कि चांद के अस्त होने तक इसे ख़त्म कर दें। फिर इस पर जो है 100 बार सूर्य इखलास पढ़कर जो है दम कर दें नक्श पर। नीचे हिस्से पे जो है फला लिख दें, इंशाल्लाह इसमें पूरी जो है फला लिख के इसे जो है लपेट कर फिर सुबह किसी छोटे से बच्चे के हाथ से अपने, मतलब कि अपने महबूब को खिला दें, या इंशाल्लाह सारी उम्र आपका महबूब या आपकी महबूबा सारी उम्र जो है ग़ुलाम बनकर रहेगा या बनकर रहेगी इंशाल्लाह। किसी को ग़ुलाम बनाना है, किसी तरीके से अगर आपको ग़ुलाम बनाना है, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है वीडियो में, क्या करना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, इंशाल्लाह इसमें पूरी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी के साथ साथ जो है इसमें आप सही तरीके से ही कामयाब हो जाएंगे। और ये मैं आपको ताबीज़, ये नक्श जो है बनाकर दिखाता हूँ प्यारे दोस्तों। और आपका अपना चैनल वजीफा 786 आपको रोज़ नई से नई वीडियो, नए से नए ताबीज़, नए से नए नक्श लेकर हाजिर होता है। और आज फिर से नई वीडियो, नए नक्श लेकर हाजिर हुआ है। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक नई से नई पहुँचती रहे प्यारे दोस्तों। और मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर। दोस्तों, ये जो है ताबीज़ आपका बनाकर रेडी कर दिया है और ये चीज़ आपने देखी, ये आपके सामने रेडी किया गया है। किस तरीके से कराया जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, किस तरीके से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग इधर से करना है। क्योंकि ज़्यादातर अपना उर्दू में कोई भी चीज़, कोई भी नक्श, कोई ताबीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सीधे हाथ की ही ओर से पढ़ते हैं, सीधे हाथ की तौर से लिखते हैं, मतलब कि इधर से ही लिखेंगे, इधर से ही पढ़ेंगे, ताकि ये उर्दू में जो है सीधे हाथ की ही तरफ से जो भी काम होता है सीधे हाथ से ही होता है इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, पीर वलियों की दुआ से गुल खिलेंगे, गुलशन खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारा चैनल आपको रोज़ नई से नई वीडियो देता रहे और नए से नए अमल आप लोगों तक पहुँचते रहें।
गुल खिलेंगे, गुलशन खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।